हे गाइस, दोस्तों वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिटनेस रेडियो, मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कि क्यों हमारे इस जनरेशन के जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी फिजिक उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाती जितने आप देखते हैं कि एक तो क्या एलीट लेवल है वो तो पहुंच ही जाते हैं, उनकी जेनेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट यूजली आप जिम में देखेंगे लोग सब कुछ कर रहे हैं यार, मतलब डाइट भी ले रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, बट फिजिक उस लेवल की नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनकी स्क्वाट ठीक नहीं लगती। दूसरी चीज़ उनकी डेडलिफ्ट ठीक नहीं लगती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एफर्ट कम मारते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ एक बेसिक प्रॉब्लम है जो कोई भी सोच नहीं पा रहा कि कहाँ हो रही है। तो हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों हो रही है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। सो गाइज, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग स्क्वाट ठीक से नहीं मार पाते, डेडलिफ्ट ठीक से नहीं मार पाते। जब हम लोग नीचे जाके ऊपर आते हैं तो हमारा वेट आगे की ओर, पंजों की ओर शिफ्ट हो रहा है। मैंने बहुत बार डिफाइन कर दिया, उसके बहुत रीजंस दे दिए, बट एक मेन रीज़न क्यों हो रहा है, लेकिन वो बहुत आराम से ठीक भी हो सकता है। बताता होता क्या, एक बार दोबारा बताते होता क्या। कैमरा मैन कृपया पीछे जाएँ प्लीज़। तो मेरी लेग्स में माफ़ कीजिएगा बहुत सोर है क्योंकि मैंने कल बहुत हैवी स्क्वाट्स मारी थी, तो मेरे को भी बहुत दर्द हो रहा है। बट नीचे गए आप, बहुत दर्द हो रहा है। नीचे गए जब ऊपर आते हैं तो ये होता है, या फिर ये अंदर की ओर जाती है, और ये इसका एक सोल्यूशन है। लोग बोलते हैं कि नीचे वेट्स लगा लो, ये लकड़ी का फट्टा लगा लो। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का आपने देखा वो होगा बहुत बारी कि वो पीछे लकड़ी लगाते हैं। क्या होता है, एक बार दोबारा देखो, इससे इस एंगल से देखो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वेट पकड़ा, नीचे गए, जब ऊपर आते हैं तो ये होता है, ये उठ जाता है और आगे आ जाता है पूरा वेट। ये होता है ऊपर आते, ये होता है पूरा वेट पंजों पर आता है। तो वो क्यों होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एंकल एक जॉइंट है, इसका रेंज ऑफ मोशन क्या है, ये एंकल मोबिलिटी की प्रॉब्लम है बेसिकली। और एंकल मोबिलिटी के ऊपर कोई मशीन्स नहीं होती, इसलिए इसको आप ट्रेन नहीं कर सकते, इसलिए ये आपकी वैसे ही कमज़ोर रह जाती है। लेकिन अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस जनरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पुरानी जनरेशन में इतनी नहीं थी। मैंने टॉक अबाउट पुरानी जनरेशन, आई मीन 90s, लेट 90s में पैदा हुए लोगों के नहीं थी। क्यों, क्योंकि लेट 90s में इंडिया में हम इंडियन स्टाइल पॉटी यूज़ करते थे, जिससे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाती है। जब आप इंडियन स्टाइल में बैठते हैं तो आप इस पोजीशन में बैठते हैं, एज टू ग्रास पोजीशन में बैठते हैं, और ऑलरेडी आपकी एंकल मोबिलिटी अच्छी हो जाती है। जितने भी लोगों ने इंडियन स्टाइल पॉटी यूज़ की है उनको कभी भी स्क्वाट की फॉर्म में दिक्कत नहीं होगी, ये मैं लिख के साथ गारंटी के साथ दे सकता हूँ। आज कल लोग इंडियन स्टाइल नहीं यूज़ करते, आज कल इंग्लिश स्टाइल यूज़ करते हैं, एंकल मोबिलिटी नहीं बन पाती। तो बेसिकली अब आप इंडियन स्टाइल के लिए बैठना, ऑटोमेटिकली आप स्क्वाट करके बैठ रहे हैं और स्क्वाट करके उठ रहे हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो हमने डिफाइन कर दिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ एंकल मोबिलिटी प्रॉब्लम। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, नंबर वन आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी हील्स को एलिवेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं, दिस इज द इमीडिएट रेमेडी, आई विल ऑल्सो टेल यू कि धीरे धीरे इसको ठीक कैसे कर सकते, इसकी जरूरत आपको ना पड़े। आप ऐसे खड़े होइए स्क्वाट मारने के लिए, एंड देन यू गो डाउन लाइक दिस। आप देखेंगे इमीडिएटली योर पॉस्चर विल इम्प्रूव, योर ग्लूट्स और ऑटोमेटिकली गो आउट, आपकी बैक राउंड होना बंद हो जाएगी। ये सारे बेनिफिट्स आपको इमीडिएटली देखेंगे। और आपने क्या करना है, इससे आप मारना शुरू करिए, लेग स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन हमेशा सुबह उठते सार बेड में जब आप लेटे हुए हैं फुल स्ट्रेच। ये एक योगा आसन भी होता है, मुझे नाम नहीं मालूम आसन का, सॉरी, फुल कॉन्ट्रैक्ट। और दो तीन आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा मोबिलिटी की, स्टैंड स्ट्रेट, गो डाउन, टच योर नीज, आपने सॉरी टोस, और कोशिश करें, मेरी भी उठ रही है ना, कोशिश करें कि ये ऐसे ही रहे, समझ रहे, ये ऐसे ना हो। Exactly, I was about to come to that. लेकिन हमारे कैमरा मैन इतने स्मार्ट है, तो बेसिकली यू हैव टू फॉल बैक टू बेसिक्स। आई रिमेंबर पापा यूज़ टू टेल कि उठना नहीं चाहिए, राइट, याद है, एंड देन अगेन कम बैक लाइक दिस। दूसरी चीज, एक और एक्सरसाइज आप ये करिए, और उसके बाद कोशिश करिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कितना आगे ले जा सकते हैं आप, लेकिन ये टच होना चाहिए ग्राउंड पे, पीछे उठना नहीं चाहिए, कितना आगे जा सकते हैं आप। देखिए अब उठ रहा है ना, तो यू हैव टू कीप इट डाउन बट स्टिल टेक इट अप। दीज आर कपल ऑफ एंकल मोबिलिटी। दूसरी चीज़ क्या होती है, बैंड, मेरे पास सॉरी भी है नहीं, पीछे से बैंड बांध के, बैंड को यहाँ अटका के रेजिस्टेंस आए, ये। चौथी एक्सरसाइज, लेग प्रेस मशीन में बैठ जाओ, जैसे काफ रेज मारते, काफ रेज ना मार के नेगेटिव करो, सिर्फ नेगेटिव रेप करो, पूरा स्ट्रेच करो, एंकल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। साथ साथ फट्टे वाला काम तो आप करते रहो, जैसे जैसे आपकी एंकल मोबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी फट्टे की जरूरत आपको कम होती रहेगी। जी हाँ, ये था वीडियो। जल्द ही माई प्रोटीन की सेल आ रही है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है,
तो सेल तो आनी बनती है। सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस, सेल आएगी, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं कोड दे दूंगा, डायरेक्ट स्वाइप अप लिंक दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बाय, टेक केयर, नमस्कार और जय हिंद।